समस्या 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 तू भी चलना ईटें रख के घर में जा रहे फिर आऊंगा मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं इसी पटेल नगर का निवासी हूँ और कम से कम 40 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। मेरी गली में एक साल से ये सीवरेज ब्लॉकेज की समस्या है और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से जिस अफसर को फ़ोन करते हैं कोई अफसर तो कभी आया ही नहीं है। सुपरवाइज़र को भेजते हैं, सुपरवाइज़र देख के चला जाता है और वो बेचारा करता भी नहीं। और ये सीवर खोलने वाले जो साथ में हैं वो खोल के राजी नहीं। और दो कदम पे स्कूल है, बच्चे छोटे छोटे हैं, बीमारी फैलने का खतरा, इतने बुरा हाल है। आप देख रहे हो, आपकी रिकॉर्डिंग में देख रहे हो आप, इतना बुरा हाल है, आदमी निकल नहीं सकता। अच्छा, तो कितना टाइम? एक साल हो गया पूरा, एक साल। मेरे पास इनकी सारी सबकी जाँच है, जो मैंने चंडीगढ़ इनको कंप्लेंटें करी हैं मेन डिपार्टमेंट को, तो वो कहते हैं आ रहे हैं, कर रहे हैं। और कई बार तो कंप्लेंट को ही कह देते हैं आपकी तो कंप्लेंट पूरी हो चुकी है, जबकि आज तक कंप्लेंट पूरी हुई नहीं है। आते हैं, आज चल गया, दो दिन चला, तीसरे दिन फिर ब्लॉक हो जाता है। ये समस्या है जी। कब से है आपके साथ? एक साल हो गया पूरा, एक वर्ष। कैसे रह रहे हैं आप? कैसे रह रहे हैं? निकल जाता है दो दिन बाद, दो दिन आते हैं निकल जाता है, दो तीन दिन के बाद फिर वही। हाँ, बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। समाधान नहीं हो रहा है, कोई समाधान नहीं है। और शिवर पुराना 40 साल पुराना है, 50 साल पुराना, और छोटी लाइन है। पार्षद हमारे नागपाल है, मिस्टर नागपाल बात हुई है। हाँ, उनसे बात हुई है, वो भी कहते हैं हम भी कर रहे हैं, बस यही करने वाली बात हो रही है, आगे कुछ नहीं। तो लास्ट आप लोगों ने कंप्लेंट कब की? कंप्लेंट अभी मैंने कल भी की और एक महीना हो गया। आया कोई? हाँ, आते हैं, कल भी आए हुए थे। यहाँ से क्या करते हैं, चूस मारते हैं। टैंकर आया, चूस मारा, टैंकर भर के ले गए। दो दिन बाद पानी तो घरों का आएगा फिर दोबारा, जब आगे ही कोई समाधान तो पक्का ना, जो आगे कहीं जाएगा ही नहीं तो पानी तो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। मेरा नाम गुलशन कुमार है। अच्छा, कौन सी कॉलोनी पड़ती है ये? ये पटेल नगर है। क्या समस्या आ रही है? समस्या सीवर की है, और ये सीवर और सड़क दोनों की समस्या है। अच्छा, सड़क भी खराब है और सीवर भी खराब है, क्योंकि पहले जैसे बंद होते थे हम ठीक करवा लेते थे, अब तो जब भी हम ठीक करवाते हैं एक घंटे बाद फिर बंद हो जाता है, दो घंटे बाद फिर बंद हो जाता है। टाइम हो गया जी, डेढ़ साल के लगभग हो गया, बहुत परेशान हो रहे हैं। कंप्लेन कहाँ पर की? कंप्लेन हमने CM विंडो पे भी की है और ये नगर पालिका में भी की हुई है, और अपना जो हमारे विधायक जी थे उनके पास भी अब हमने पर्चा भेजा है। पहले विधायक जी से हम कहते थे तो वो फटाफट गाड़ियाँ भेज के काम ये सफाई करवा देते थे, अब विधायक जी के पास भी कंप्लेन गई हुई है।
देखो अब कब इसका सलूशन निकले, छोटे छोटे बच्चे इतने परेशान हैं, गंदी हवा आ रही है। अच्छा यहाँ के पार्षद को, यहाँ के पार्षद नागपाल जी हैं, तो उनको कंप्लेन की थी, उनको कंप्लेन गली वालों ने फोन करके 3-4 बार बोला है, लेकिन बात बन नहीं नहीं वो नहीं, खुद नहीं आए कभी भी, दीपक नागपाल है वो कभी खुद देखने नहीं आए यहाँ पे। अच्छा। ना कोई कोई गाड़ी लगवाई है, भाई बंदा कहता है भाई चलो तेरे को जितवाया हुआ है तो यहाँ पे आ जाए। तो इस गली में स्कूल भी है, बच्चे आते जाते होंगे। हाँ, या आप 2-10 मिनट पहले आ जाते हैं तो यहाँ पर बच्चे पैरों गंदे पैर लेकर के इधर भी जाते हैं और उधर भी जाते हैं, दोनों तरफ आप देख रहे हो बुरा हाल है, इधर भी और परली तरफ भी, और शिवर बैक मार रहा है। मेरा मोनिका है, मैं पटेल नगर में रहती हूँ। हमारे यहाँ काफी टाइम से शिवर बहुत बंद रहते हैं, आने जाने में बहुत तकलीफ होती है और इतनी गंदगी होती है कि हमारे मतलब कि सिर में इतना असर होता है कि गंदगी सिर पर चढ़ती है, बहुत भी बुरा हाल है बहुत। और टाइम तो बहुत है, 2-2.5-3 साल से हो रहे हैं सर। बहुत कंप्लेन किया, कोई आया देखा? कंप्लेन करते थे, आते हैं कर जाते, फिर होता ही नहीं, टेम्परेरी करके जाते हैं। पानी का भी यही कुछ है ना, पीने जो का पानी है। रजनी, रजनी है, पानी इतना गंदा आता है, पानी हम पी भी नहीं सकते, देखने भी नहीं आता पानी तो। अच्छा, हाँ, इतना गंदा पानी होता है जैसे सीवर का सारा पानी आ रहा है अंदर, इस तरह का पानी। बताओ क्या करें, पब्लिक क्या करेगी, जब ये सुनेंगे ही नहीं। इतनी सारे करके आते हैं, कंप्लेन करते हैं, बुलाते हैं, सारा कुछ करते, कोई करते हैं, सुनते ही नहीं है। अब बताओ तो क्या मानते हैं, इतनी लापरवाही दिखा रहे हैं क्या वजह? अब ये तो वही जाने ना, वजह क्या है? इलेक्शन में तो आ जाते हैं हाथ जोड़ के। अच्छा भाई, मांगते हैं कि हमें जिताओ, हम करेंगे, करता कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं करता। मैडम सब ऐसे ही हैं, सब अपने जोगी हैं।